हाय फ्रेंड्स, मु रजत स्वागत करुच्ची आपंक मो चैनल बैंकिंग विथ रजत। देखो तो पिला माने, आज अच्छी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सेट सेट नंबर 8 फॉर ओपीसीएस 2021 पई। किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मन कहबी जोटा कि आपंकर एठी इंपोर्टेंट रहिबो, एवं आज यूजुअल जहां भी आपंकर क्वेश्चन आसीबो एस एग्जाम रे सेही टाइप रो सेम पैटर्न क्वेश्चन अछि। स्टार्टिंग करिवा ता पूर्वरु जदि आपण चाहुंती अनअकैडमी माध्यम रे एसपाई क्लास करेंगे। आमर नुआ ब्याच स्टार्ट हम बहुत जल्दी, एवं मध्ये गोटे स्टार्ट एसपाई 7 फेब्रुआरी, एवं आउ गोटे मध्ये स्टार्ट यही मार्च मस मार्च 1 तारीख को स्टार्ट हम। आपन लेट हो जदि आप चाहती एवं मध्ये 7 तारीख ब्याच जॉइन करेंगे। एवं केमी जॉइन करेंगे, फास्ट आपको अनअकैडमी आप्लिकेसन इनस्टल करा पड़ो। आप्लिकेसन इनस्टल कालापर आपको लगइन टाइम ओपीएससी गोल्ड चूज करेंगे। स्टेट पीएससी सर्च कर स्टेट पीएससी सर्च कर ओपीएससी क्लिक कर लगइन कालापर यही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु 10% डिस्काउंट लिंक शेयर करछी। तापर क्लिक करिवे 3 मास 6 मास जेतिक दरकार। जदि आपण खाली एस पई जॉइन करिवे बा ओएस प्रीलिम पई करिवे 3 मास उपर क्लिक करिवे। जदि आप चाहंती ओएस मेंस पई करिवे 12 मास पई करिवे, ये सब 10% डिस्काउंट हेकरि आपनको आसिबो। एतो मानदले मध्ये कोड पुट करी जॉइन करि पारिबे। जहां भी डाउट अछि आपनकर ए नंबर रे कॉल करी एसएमएस करी बुझी परिवे हाउ टू जॉइन अन एकेडमी। बहुत बढ़िया ब्याच कोर्स चली छि, आपन करंतु क्लास फुल सिलेबस आपनकर कवर हबो। फास्ट क्वेश्चन जिया पिला माने, हम क्रियार मूलपिंड को कौन कहा जाए? क्रियार मूलपिंड को कौन कहा जाए? पद, विशेष्य, धातु एवं अवयव। क्रियार मूलपिंड को एटी पिला माने धातु कहा जाए, धातु रु क्रियार सृष्टि। भुकु अछि, कहिले, कले, ए तीनटा गुड़िक के गुड़िक क्रिया? सक्रमक, समापिका, अक्रमक, असमापिका। भुकु अच्छी, कहिले, कले, तीनटा गुड़िक पिला माने गोटे समापिका क्रिया। जो पद कौन कार्य को बुझाए ताहा क्यों पद? विशेषण, अवयव, विशेष, क्रिया। जो पद कौन कार्य को बुझाए ताकु कौ पद कहते? विशेषण, अवयव, विशेष, क्रिया। कार्य को बुझाए मान क्रियापद। पद केते भाग रे विभक्त? पद पिला माने केते भाग रे विभक्त? क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 पद केते भाग रे विभक्त? पद होची 5 भाग रे विभक्त। क्रिया पद केते भाग रे विभक्त? 2, 4, 3, 5 क्रिया पद केते भाग रे विभक्त? 2, 3, 4, 5 क्रिया पद 4 भाग रे विभक्त। क्रिया गुडीकरु केउ गुडीकर धारणा मिले? विशेष, विशेषण, सर्वनाम, काल, पुरुष वचन, अव्यय क्रिया वचन, विशेष पुरुष काल। क्रियापद गुड़िकर केउ गुड़िक धारणा मिले? काल पुरुष वचन धारणा मिले। जो क्रिया अन्य को कार्य कराए ताहा केउ क्रिया अटे? जो क्रिया अन्य को कार्य कराए सक्रमक, द्विक्रमक, अक्रमक, प्रेरणाथक। जो क्रिया अन्य को कार्य कराए ताकु पिला माने प्रेरणाथक क्रिया कहा जाए। दिआईवा प्रेरणाथक क्रियार मूल क्रिया कौन? दिआईवा प्रेरणाथक क्रियार मूल क्रिया कौन? देवा, देखिबा, कुहाइबा, देखाइबा। एटे देवा हबो, त आंसर हबो देवा। जो क्रियार कर्म थाए ता केउ क्रिया अटे? जो क्रियार कर्म थाए अक्रमक, द्विक्रमक, सक्रमक, प्रेरणाथक। जो क्रियार कर्म थाए ताको आम सक्रमक क्रिया कही था। केउटी शुद्ध शब्द लेख? आंक भितर कोटा स्पेलिंग ठीक अछि? भुवनेश्वर स्पेलिंग। आंक भितर कोटा भुवनेश्वर स्पेलिंग ठीक अछि? एटी आंसर हबो सी नंबर पिलावन ठीक, भुवनेश्वर स्पेलिंग ठीक। केउटी ठीक? सुधी असुधी क्वेश्चन पचारा ठीक, केउटी ठीक? एटि आंसर हम निर्दोष। केउटी को शुद्ध कहिबा? काहु को हम शुद्ध कहिबा? दुख, 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 कोटा शुद्ध? आंसर हम दुख, राइट आंसर। केउटी ठीक हेबो? गणेश, गणेश स्पेलिंग कोटा ठीक? आंसर हम बी, राइट आंसर। केउटी ठीक शब्द? शिकार। शिकार कोटा ठीक? आंसर हम शिकार स्पेलिंग एटा ठीक।
କେଉଁଠି ସୁଧ ଶବ୍ଦ? ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସୁଧ? ସାହସ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେବ? ଅଭିଳାଷ 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 କେଉଁଟା ଠିକ୍? ମୁଧେନ୍ସ ଅଭିଳାଷ କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ପୁରୀ ପୁରୀ କେଉଁ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍? ସି କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଦାସକାଠି କେଉଁ ନାମଟି ଠିକ୍? କେଉଁ ନାମଟି ଠିକ୍? ନିରୁପମା ସ୍ପେଲିଂ ନିରୁ ତ ଦୀର୍ଘ ବଠି ନିରୁ ନିରୁପମା କେଉଁଠି ଠିକ୍? ନିଚ ସ୍ପେଲିଂ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଡବଲ ଚ ହୁଏ, ନିଚରେ ଗୋଟିଏ ଚ ହୁଏ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଠିକ୍ ନିଚ। ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି ଚିହ୍ନଟ କର, ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ, ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ଆନ୍ସର ହେବ ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଲୋକ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତିନି ବା ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଅନ୍ତିନି ବା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଏ। ବମ୍ବେ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଗରୀ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଆ ଭିତରେ ନା ଏ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ଏବଂ ଡି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ଠିକ୍। ରି ହେବନି, ହର୍ଷେଇକାର ହେବନି, ଏଠି ବି ହର୍ଷେଇକାର ହେବନି, ଦୀର୍ଘେକାର ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖ, ଧୂମ୍ରପାନ ହୁଏ ନା ଧୂମପାନ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଫିଲ୍ମ ବା ମୁଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଧୂମ୍ରପାନ ଲେଖିଥାଏ ହିନ୍ଦୀରେ, ତ ହିନ୍ଦୀଟା ଠିକ୍ ଧୂମ୍ରପାନ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଧୂମପାନ କରିଥାଉ, ଧୂମପାନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖ 35, ସେ ଆକଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କଲେ, ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କଲେ କୋଉଟା ଠିକ୍? ଏଠି ଆପଣ ଆନ୍ସର ହେବ ସେ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କଲେ 36। କୋଉଟା ଠିକ୍? ଲଜ୍ୟାର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜ ଲେଖିବ ତଳେ ତ ଏପଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜ ଫଳା ହେବ, ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ହେବ ବି ଠିକ୍ ଲଜ୍ୟାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ରିୟା ଘଟିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ମ କ୍ରିୟା କାଳ ବିଶେଷ, କ୍ରିୟା ଘଟିବା ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରିୟା ଘଟିବା ସମୟକୁ କାଳ ବୋଲି କହିବା। ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼, ଏ ଶୋଇପଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳ ଅଟେ? କେଉଁ କାଳ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ, ଏଇ ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ? ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳ? ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅତୀତ କାଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପିଲାମାନେ ମୋଟ ଉପରେ କାଳ ହେଉଛି 17 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ 4 ଗୋଟେ, 8 ଗୋଟେ, 5 ଗୋଟେ। 4 ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 8 ହେଲା ଅତୀତ, 5 ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ଅତୀତ କାଳ ପଚାରିଛି, ତ ଅତୀତ କାଳ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଜଣାଯାଏ ତାହା କେଉଁ କାଳ ଅଟେ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଜଣାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବୋଲି କହିବା। ପିଲାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ, ଏହା କେଉଁ କାଳରେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ନୁହେଁ, ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ। ପିଲାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ ମାନେ ଏବେକୁ ବୁଝାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତା ମାନେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେବ। ପିଲାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ରବିବାର ଦିନ କଟକରେ ସଭା ହୋଇଥିବ, ହୋଇଥିବ ମାନେ ଫିନିଶ ଆକ୍ସନ, ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ତ ସମ୍ଭବ ଅତୀତ, ତ ଏଠି ଅତୀତକୁ ବୁଝିବ ପିଲାମାନେ, ହୋଇଥିବ ମାନେ ଏଠି ଅତୀତ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବନି କି ଭବିଷ୍ୟତ ହେବନି, ହୋଇଥିବ ଅତୀତକୁ ବୁଝାଉଛି।
सूर्य सकाळे उदित हुवंती या क्यों प्रकार वर्तमान काल उदित हुवंती सकाळे ता माने सूर्य पिला माने डेली प्रतिदिन हुवंती तो एठी आपण को ऑप्शन राइट आंसर हो विशुद्ध संभव नित्य प्रभुत्व अनुमानिक सकाळे उदित हुवंती हबो नित्य प्रभुत्व राइट आंसर क्रिया रे लौ लाली लागिरे केउं काल होइथाय काल नुहे अतीत काल वर्तमान काल भविष्य काल ल लाली लगिले क्यों काल हो लाली लगिले एटी अतीत काल होता है अतीत काल अन्य नाम कौन अन्नबद्य प्रभूत सामीप्य भूत अतीत काल अन्य नाम होला भूत काल भूत काल राम एक क्षण ग्रामरु आसला या क्यों प्रकार अतीत काल अटे राम एक क्षण ग्रामरु आसला अनद्यतन असंपन्न अद्यतम साम्यप राम एक क्षण ग्रामरु आसला अद्यतम अतीत केउटी अग्निर प्रतिशब्द नुहे आगार बृहत भानु चित्रभानु सप्त जीवा कोटी अग्निर प्रतिशब्द नुहे आंसर हम आगार केउटी सिंहर प्रतिशब्द मुगेन्द्र भूदर उत्पल शिखरी केउटी स्नेहर प्रतिशब्द मुगेन्द्र केउटी पृथ्वीर प्रतिशब्द नुहे नुहे पचारिच मेदिनी बसुमती बधु धरा एठी आप आंसर हम बधु इतना पे 40 क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एसओ एग्जाम जो मैंने चाहती अनअकाडमी माध्यम जॉइन करने पाने फुल सिलेबस कंप्लीट गोटे बैच को स्टार्ट कर 7 फेब्रुआरी आउ गोटे अल्प दिन भितर स्टार्ट होती जॉइन करेंगे अनअकाडमी माध्यम एबे ही जॉइन करूँ कौन पाई ना आपको जिते लेट करेंगे आप सिलेबस सरी सरी एवं टाइम मध्य कम हो तो 3 मास जॉइन करेंगे अनअकाडमी माध्यम जहाँ भी डाउट अच्छी ये नंबर कॉल करेंगे ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10% डिस्काउंट लिंक शेयर करापर क्लिक करेंगे मंथ चूज कर पेमेंट ऑप्शन चूज कर पेमेंट करेंगे और यही ब्याज कोर्स देखिए साकार फंडामेंटल कोर्स फॉर एसओ एग्जाम ब्याज 2 तो मतलब कॉल कर बुझीपारे मात्र आपको 3420 टाँग आसो 3 मास को डिस्काउंट कटिकी ठीक अच्छे पे।